नमस्कार दोस्तों, अंजलि ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक मशीन आई हुई है और ये जेमिनी की मशीन है। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसका ये जो नीचे वाला जो धागा है बॉबिन का, ये ऊपर नहीं आ रहा है। मतलब ये मशीन धागा नहीं ले रही है, तो इसको कैसे ठीक करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये हमने धागा यहाँ लगाया। अब ये देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसका जो नीचे का धागा है वो ऊपर नहीं आ रहा है। ये देखिए, नीचे का जो धागा है ये ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे ठीक करना है मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये धागा ऊपर नहीं आ रहा है नीचे का, तो आपको बताता हूँ इसको कैसे ठीक करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सुई है, ये देखिए हम इसको चक्के को घुमा रहे हैं और ये देखो आपको ये सुई दिख रही होगी। ये देखिए ये कितनी ऊपर है, तो इसको हमको थोड़ी नीचे करना पड़ेगा। थोड़ी नीचे मतलब आपको ये यहाँ तक करना पड़ेगा सुई। ये जो सुई की नोक है वो आपको ज़्यादा भी नीचे नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। आपको ये मीडियम में करना पड़ेगा, एकदम मीडियम में, ये यहाँ तक, ठीक है। तो हमको जो सुई नीचे और ऊपर करने का जो तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, आपको यहाँ पर एक नट दिख रहा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पेचकस फंसाना है और ये नट को आपको ढीला करना है और उसके बाद है आपको सुई की सेटिंग करना है। तो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने पेचकस यहाँ फंसा लिया है और उसके बाद हम नट को ऐसा ढीला कर देंगे। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ से ढीला कर दिया है और ये देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेंगे ऐसा, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम पेचकस फंसाएंगे ये होल में, ठीक है। ये देखिए, ये होल में हमने पेचकस फंसा दिया है और उसके बाद हम इसको कस देंगे। तो ये देखिए, मैं कस रहा हूँ इसको। ये देखिए, इसको हमने इसको टाइट कस देना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने ये धागा डाल दिया है इसमें। ये देखिए, अब इसमें हम चला के देखेंगे कि हमारा धागा ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, मैं आपको भी धागा ऊपर ला के बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, धागा ऊपर आ चुका है। ये देखिए, ये धागा ऊपर आ चुका है। तो आप सिंपली, आपको कुछ नहीं करना, अगर आपकी मशीन धागा नहीं पकड़ रही है तो आपको जहाँ का मैंने पीछे नट बताया हूँ वो नट को आपको ढीला करना है और फिर सुई को थोड़ी सी नीचे करना है सेंटर मिला के। फिर उसके बाद आपको यहाँ पीछे के नट से जहाँ आपने ढीला करा था, पेचकस की मदद से उसको टाइट कर देना। बहुत सिंपल है, आप घर बैठे काम कर सकते हैं। और ये सब मशीन की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपको आए दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट बताते रहेंगे मशीनरी के मामले में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।